आपका समुद्र के 8 किलोमीटर अंदर मुझे ये लेकर जाए। पहली बार मैं पानी के जहाज में चढ़ने वाला हूँ। कैसे चलाया जाता है पानी का जहाज? लेकिन यहाँ ना अचानक से भाई इतनी तेज वाली बारिश आ गई समुद्र के बीच में। देखो भाई पता नहीं कहाँ फंस गए समुद्र के अंदर। मेरे साथ इस पानी के जहाज में 150 से 200 लोग हैं, ऐसे भरे भरे बैठे, खतरनाक वाले बादल लगे भाई। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और इस टाइम पे मैं आपका थाईलैंड में हूँ। पिछले 2-3 ब्लॉग में मैंने आपको बताया था भाई कैसे कैसे आपका पटाया शहर से हम लोग कोलन आइसलैंड आए, और फिर उसके बाद वाले ब्लॉग में मैंने आपको कोलन आइसलैंड में जितनी भी मस्तियाँ होती है ना वो सब कुछ आपको दिखाया था। और आज मैं आपको यहाँ कोलन आइसलैंड से यहाँ से लेके जाने वाला हूँ आपका पटाया के लिए। पटाया मतलब यहाँ से आपका 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे ना आपका यहाँ से पटाया सिटी पड़ती है, जो अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो यहाँ से मैं आपका पटाया जाऊंगा बाय बोट। उसे आप एक शिप भी बोल सकते हो, पानी का जहाज भी बोल सकते हो, और उसे आप बोट भी बोल सकते हो, लेकिन मैं शिप बोलूंगा, पानी का जहाज बोलूंगा, क्योंकि मैं आज से पहले ना कभी पानी के जहाज में बैठा नहीं हूँ। और ये मेरे लिए ना बहुत ज्यादा मतलब खूबसूरत एक्सपीरियंस होने वाला है, मतलब और पता है दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि मौसम ना बारिश का है भाई, बहुत खतरनाक वाला। और ऐसा कहते हैं कि बारिश के टाइम पे ना अगर आप पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो समुद्री तूफान आने से ना बहुत बार बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे भाई अपना घर बना रहे हैं। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? भाई ये बच्चा क्या बना रहा है भाई? ये भैया कुछ नदी बना रहा है मेरे ख्याल से, या घर बना रहा है। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? भाई ये शायद अंग्रेजी नहीं जानता है, ये शायद रशिया वशिया का बच्चा होगा कहीं का, या फिर किसी और कंट्री से होगा जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते होंगे या फिर इंग्लिश नहीं समझते होंगे, ऐसा कुछ होगा। लेकिन आज मैं यहाँ से ना छोड़ के यहाँ से काफ़ी दूर निकल जाऊँगा, मतलब पटाया सिटी निकल जाऊँगा, उसके बाद फिर चांगमाई निकल जाऊँगा, क्योंकि थाईलैंड में ना सिर्फ बीच लाइफ नहीं है, थाईलैंड में हर चीज़ के मज़े हैं। मतलब यहाँ बीच लाइफ भी है, विलेज लाइफ भी है, नाइट लाइफ भी है, क्राउड भी है, मार्केट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपका थाईलैंड के अंदर। तो सब कुछ एक्सप्लोर करना है ना यार, सिर्फ बीच लाइफ करेंगे तो फिर आप कहोगे रोहित भाई डेली डेली बीच लाइफ दिखा रहे हो। आज एक काम करते हैं, आज यहाँ से बीच लाइफ से निकलते हैं पटाया सिटी, और पता है 150 से 200 लोग बैठ के ना उस बोट में जाने वाले हैं भाई। इस बात में हमको यहाँ से बोट मिल जाएगी। वैसे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से स्पीड बोट लेकर भी जा सकता हूँ, लेकिन स्पीड बोट में मैं जाऊँगा तो मुझे कम से कम 300 बात खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं आपका बोट में जाऊँगा उसमें हम कम से कम 100 से 150 लोग जाएंगे, तो और उसमें सिक्योरिटी का सामान थोड़ा कम होता है, उसके चलते हैं। और मेरी इस थाईलैंड की ट्रिप को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो आप एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके बाद ना थाईलैंड के बाद वियतनाम होगा, वियतनाम के बाद हांगकांग होगा, फिर जापान होगा, कंबोडिया होगा, मलेशिया होगा, ऐसे बहुत सारे आपको देश घुमाने। तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना यार भाई, बढ़िया सा, अगर आप कमेंट करना भूल जाते हो तो आपको याद दिला रहा हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से आपका बंदरगाह की तरफ, मतलब पोर्ट की तरफ, जहाँ पर वो सिर्फ हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि सिर्फ लगने वाला है, और अगर एक बार निकल गया ना फिर शाम के 5 बज जाएंगे, फिर उसके बाद भाई ना कोई दूसरा बोट नहीं मिलने वाला है, फिर मेरे को ना स्पीड बोट लेके जाना पड़ेगा, वो भी महंगे में। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट आपका पोर्ट की तरफ। तो भाई जी फाइनली मैं आपका पहुंच चुका हूं अपने पोर्ट पे, जहां से मुझे पानी का जहाज मिलेगा, जो जिंदगी में पहली बार इस पानी के जहाज में बैठने वाला हूं, आपका समुद्र के 8 किलोमीटर अंदर लेकर जाएगा। पहली बार मैं पानी के जहाज में चढ़ने वाला हूँ, पानी के जहाज में चढ़ने का मजा अलग ही होगा यार, क्योंकि हवाई जहाज से लेकर ट्रेन से लेकर मेट्रो से लेकर बाइक से लेकर सब कुछ चला जाएगा, पानी का जहाज चलाएंगे नहीं लेकिन बैठ तो जाएंगे ना मेरे भाई। चलो, ये इतना हिल क्यों रहा भाई पानी का जहाज? भाई साहब, भाई साहब डाउन साइड। चलो 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 चेक करते हैं भाई, इसमें बस सीट मिल जाए बैठने के लिए तो फिर मजा आ जाएगा। और भाई जी मैंने तो सुना था कि भाई आपका बारिश में आपका नाव वाव चलती नहीं है, लेकिन यहाँ ना अचानक से भाई इतनी तेज वाली बारिश आ गई समुंदर के बीच में। देखो भाई खतरनाक वाली बारिश, भाई साहब सब लोगों ने छाता वाता निकाल लिया अपनी भाई। और मेरे हाल इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है, समुद्री जहाज में हूँ, पानी के जहाज में हूँ, और एक समुद्र की यात्रा में हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे पूरा बड़ा समुद्र और इतने सारे यात्री बैठे हुए, लेकिन मैं आपको दिक्कत बताऊं क्या हुई ना, हम लोग आपका समुद्र की यात्रा करने निकल तो गए थे ना, पहली बार पानी के जहाज में बैठ कर निकला, लेकिन भाई यहाँ क्या हुआ ना, अचानक से आधे सफर में ना भाई बारिश हो गई यार। अब ये बारिश जो हो रही ना इससे क्या होता है ना, जब बारिश आपका आती ना तो समुद्री यात्रा बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाती है। समुद्र में पानी के जहाज होते ना, पानी के तूफान भी आते हैं, समुद्र में तूफान भी आते हैं, तो अब ना भाई अपनी हालत इतनी खतरनाक ना, सब लोग छाता वाता लेके बैठे हुए हैं। मेरा ना पहली बार है मैं किसी पानी के जहाज में ऐसे घूम रहा हूँ, और मैंने ना कहानियाँ बहुत सुनी है भाई, पानी के जहाज ना ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन भाई अब इस समय ना मेरे दिल की धड़कन जो है ना भाई मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ के जो लोग हैं ना, लोकल पीपल जो हैं आपके थाईलैंड के, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से, वो लोग ना लगातार ही समुद्र में बारिश में अपने पानी के जहाज की यात्रा करते रहते। आपका स्पीड बोट आपको दिख रही है पानी में,
जितनी भी आपकी बोट्स आपके समुद्र में आई थी ना आपका कोनल आइलैंड की तरफ, वो सारे वापस जा रहे हैं भाग के, क्योंकि भारी तेज बारिश हो गई है और हम भी अपना पानी का जहाज लेके अब रिटर्न जा रहे हैं यहाँ से कोलन से आपका पटाया की तरफ। भगवान बस यही प्रार्थना है कि यार सब कुछ ठीक रहे। और पहली बार मैं इस तरीके से आपका समुद्र के ऊपर यात्रा कर रहा हूँ। जब आप ऐसे सफर करते हो आपको ऐसे बहुत सारी कहानियां याद आती है कि यार भाई ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वाली पिक्चर उसमें पानी में तूफान आ गया, बारिश आ गई, आ गया कहानियां सब याद आ जाती है भाई। और इस समय ना मैं कैमरे के सामने बोल तो बड़ा हंस के रहा हूँ ना, लेकिन सच बताना मेरे अंदर से बहुत बुरी हालत हो रही है, क्योंकि भाई जिस समुंदर के ऊपर ना हम अभी आपका अपना पानी का जहाज लेकर जा रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं कब कहाँ भाई पानी का तूफान, पानी की लहरें ऐसी उफान पा गई ना, क्या होगा कुछ समझ आ रहा है। एक तो हमको सीट भी नहीं मिली थी, जब जितनी तेज बारिश आती है ना तूफान आता है तो पानी का जहाज ऐसे से हिलता है भाई। सर देखो आप, हमको ना आपका जाना है यहाँ से पटाया की तरफ, और पटाया सिटी ना अभी यहाँ से और आपका 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन बताया उधर काले बादल देखो भाई। अब मतलब इस समय हम समुद्र की एक तो यात्रा कर रहे हैं और खतरनाक वाले बादल लग गए भाई देखो ऊपर। पता नहीं यार पटाया कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, भगवान करे बस सही रात पहुंच जाए यार। आपका 15 मिनट हो गए और यहाँ पे ना हम समुद्र में कम से कम 3-4 किलोमीटर आगे होंगे, बट यहाँ पे ना कुछ दिखता ही नहीं यार, बस पानी 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 हर जगह समुद्र में, पता नहीं कहाँ फंस गए समुद्र के अंदर। और लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारे पानी के जहाज हमको और दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं वो सारे जहाज भी ना हमारे साथ साथ निकले थे आपका आइलैंड की तरफ, लेकिन सारे वापस जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो चुकी है बहुत खतरनाक वाली। आपको उधर बिल्डिंगें दिखाई दे रही मेरी उंगली के सामने, पता नहीं मेरे गोप्रो में क्लियर आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, हमें ना वहाँ जाना है और उसकी दूरी यहाँ से अभी और 7 किलोमीटर है और काले बादल ना वहाँ पर और खतरनाक है, और अब जहाज ना इधर से उधर देख रहे हो आप। और इसमें समुद्र के जहाज में ना देखो पानी के जहाज में ना बड़े बड़े टायर भी है नीचे, अभी टायर क्यों रखे हैं मुझे टायर का पता नहीं चल रहा है, क्या ये समुद्र के जहाज को डूबने से बचाते हैं या कुछ और वजह है मुझे पता नहीं। मेरे को ना बाइक राइड और बस वाली यात्रा ना बहुत पसंद आती है, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट होता है ना हम रोड में गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, फिर हमको पता है कि हम कैसे संभलना है। एक हवाई जहाज और एक समुद्री जहाज जो होते हैं पानी के जहाज, इन दोनों में ना भाई मेरी जो हालत खराब होती है मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन भाई जब समुद्र के ऊपर से पानी का जहाज चलता है ना इस तरीके से, तो भाई अंदर ना दिल धक 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 धक। तो भाई मैं ना इस पानी के जहाज में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ इस पानी के जहाज में ना कम से कम 150 से 200 लोग हैं जो इस पूरे जहाज में ऐसे भरे पड़े बैठे पड़े हैं पूरा पीछे तक। एक इसमें दो सेक्शन है, एक ऊपर एक नीचे वाला, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं, यहाँ से आप नीचे जाते हो, तो मतलब ऊपर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, 100 लोग तो कम से कम ऊपर बैठे हैं और 100 लोग नीचे बैठे हुए हैं, तो मतलब समझ लो कि एक पानी के जहाज में कम से कम 200 लोगों की ज़िंदगी मतलब खतरे में रहती है अगर कोई दिक्कत हो गई तो। भाई इतना वेट लेके पानी में बड़ा सोच के बड़ा डर लगता है यार सच में। अब आप भी सोच रहे हो कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ यार, पानी के जहाज तो ना एक देश से दूसरे देश में इतना चलते रहते हैं, लोग घूमते रहते हैं, लेकिन मैं पहली बार बैठा हूँ ना तो मेरे अंदर बड़े क्वेश्चन थे कि आखिर पानी में कैसे चल देता है। चलो 2-4 लोग तो बैठा के चल दे, लेकिन इतने सारे लोग पानी के जहाज में भर के चलते हैं भाई। तो भाई जी पूरा आपका आधे घंटे से 1 घंटा से ऊपर हो गया है और अब ना हमको हल्का हल्का शहर दिखना शुरू हो गया है। आप उधर देखो आपको दूर कहीं शहरों की ना बिल्डिंग दिख रही होंगी, हमको ना उस साइड ही कहीं जाना है। तो भैया मैं आपका पानी के जहाज में ना आगे की तरफ आ गया हूँ। तो भाई आज पहली बार ना मैंने समुद्री जहाज का ड्राइवर रूम भी देख लिया कि आखिर पानी के जहाज को चलाते कैसे, अंदर ड्राइवर किस तरह का रूम होता है देख लो भैया आप। जैसा स्टीयरिंग होता है देखो इतना, मतलब जैसे बस में हमारे स्टीयरिंग होता है ना सेम पानी के जहाज में स्टीयरिंग होता है, और दो गियर भी होते हैं इस तरीके से, और सामने आपका मीटर वीटर सब लगा रहता है, और ऐसे इस तरीके से गाड़ी चलता है पानी का जहाज। पानी के जहाज के अंदर भी ना हमारी बस की तरह ही बड़ा सा स्टीयरिंग होता है। पानी के जहाज चलाते टाइम ना आपको इतना टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से बैठे रहो क्योंकि कोई ट्रैफिक तो है नहीं, आगे कोई गाड़ी है नहीं, तो कहीं भी मोड़ लो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री चलते रहो। लेकिन जो बड़े वाले जो शिप होते हैं ना जो देश से विदेश जाते हैं, जिनकी 100, 200, 300, 500 किलोमीटर की यात्रा होती है ना, वो आपका रेडार से चलते हैं, जैसे कि आपका हवाई जहाज चलता है ना बिल्कुल वैसे ही। अब ये छोटे मोटे शिप हैं, इसमें तो 5 से 10 किलोमीटर है, तो इनको दिखाई देता है सब कुछ किधर जाना है, इधर जाना है, लेफ्ट है राइट, तो ये अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और हम आपका पटाया शहर से बहुत पास है। ये समुद्री जहाज होता है ना पानी का जहाज, इसकी जो स्पीड है 5 से 10 किलोमीटर के हिसाब से चलता है, मतलब 5 या 10 होती है इसकी स्पीड, इससे हल्के हल्के चलता है क्योंकि इतने सारे लोगों को लेकर चलता है। और अभी जहाँ हम जा रहे हैं ना पटाया के साइड को, वहाँ भी भाई बहुत खतरनाक वाले बादल हैं, उधर भी आपको बारिश ही आ रही होगी, अगर वहाँ भी तेज़ बारिश होगी ना भाई फिर पानी के जहाज ऐसे हिलेगा ना फिर मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो भाई देखो इस तरीके से आपका पानी का जहाज मुड़ता है भाई, अब लास्ट पॉइंट पर आ गए हम लोग आपका अपने पोर्ट की तरफ आ गए। सामने आपका देखो बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है सामने पटाया सिटी का, और हम मतलब पोर्ट के पास पहुँच गए। थैंक यू बजरंग बली कि हम भाई वो काले काले बादलों का पूरा समुंदर पार करके ना फाइनली पटाया सिटी के पोर्ट पे पहुंच गए। सर
थैंक यू सो मच। ये हमारे इस शिप के वो थे, मतलब चालक थे। और पानी का जहाज कैसा दिखता है अंदर से देख लो भैया, कैसे चलाया जाता है पानी का जहाज भाई साहब, एकदम से रॉयल बॉडी बिल्डर है भाई ये हमारे जो ड्राइवर साहब हैं। अब एक काम करते हैं, आपको देखो पानी का जहाज के चारों ओर से दिखा दिया। पानी के जो जहाज के जो आगे शीशा होता है ना खिड़की, इसमें वाइपर भी नहीं होता है, ऐसे कहते हैं हाथ से वाइप करना पड़ता है। जब समुद्री तूफान आ गया था ना, खतरनाक वाला बारिश चल रही थी, तो भाई एक बंदा ना आगे से इसको साफ करता था। मतलब जितने लोग भी आपका पटाया आते हैं, थाईलैंड आते हैं ना, वो पानी के जहाज की यात्रा करने के लिए भाई कितने उत्सुक रहते हैं देख लो भाई। चलो चलो भाई चलो चलो, फाइनली अपने शिप से आ चुके हैं नीचे। थैंक गॉड कि हम जिंदा हैं, क्योंकि इतने तूफान के बाद भी ना हमारे जहाज को कुछ नहीं हुआ। तो भाई लो, हमें आपका पोर्ट से यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई, अभी हम समुद्र के बीच में ही हैं। आज का इस समुद्री यात्रा में बहुत मजा आया। सबसे पहले ना जाके खाना खाना भाई साहब, मेरे को तो ना ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ कि भाई कहीं पलट गया तो, कहीं कुछ ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, सोच सोच के मेरे प्राण निकल गया आधे से ज़्यादा। तो ये पता है मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं था। अभी एक मार्ट में आ गया हूँ, यहाँ पर मेरे को ओरियो तो नहीं मिला, ओरियो का 2 कॉफ़ी मिल रहा है बताओ। चलो कॉफ़ी ले लिए। आप जिस स्ट्रीट वॉक पे ना भैया रात को नंगा नाच चलता है, वहाँ पर दिन में हमारा नंगा नाच चल रहा है देखो, क्योंकि इस टाइम हम घूम सकते हैं ना। रात को तो भाई साहब ऐसा डर लगता है ना भाई, कौन लड़की कहाँ से ना खींच दे। अभी ये सारे क्लब ना खुलने वाले हैं, अभी यहाँ पर आपको देखो बिल्कुल भी क्राउड नहीं। अगली वीडियो में ना आपको दिखाऊंगा, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसका पूरा स्ट्रीट वॉक का। अभी 2 घंटे बाद जो रात लगती है ना भाई, जो नज़ारे लगते हैं ना यहाँ पे, यहाँ पे हर एक दुकान जो कपड़ों वपड़ों जो सब बंद हो जाएंगी, सिर्फ बार क्लब डांस क्लब ये वो सब ही चलेगा बस। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं आपका आ गया हूँ अपने रूम पे। ये सामने अपना रूम है, सारा सामान हमने इधर फैला दिया। हाँ क्या हुआ साले, पी के है के कपड़े पहने थे तूने ऐसा? तो मैं भी अपना ब्लॉग एडिट करता हूँ, और आज का जो ब्लॉग भी रहा था ना भाई, समुंदर का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बढ़िया था। मतलब डर भी लग रहा था लेकिन मैनेज किया हमने जैसे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना, लेकिन भाई समुद्र में इतने लोग बैठ के जाते हैं एक शिप में, मैंने पहली बार देखा, मुझे लगा 8-10-15 लोग जाते होंगे, लेकिन भाई 100-150 लोग समुद्र के अंदर भाई साहब। और अगर गलती से भी कुछ हो गया ना तो 100-150 लोग एक साथ दिक्कत में आ जाएंगे। और किसी ने लाइफ जैकेट पहनी भी नहीं थी, मैंने तो नहीं पहनी थी, लोगों ने भी पहनी थी, लेकिन पता एक एक साल के बच्चे को भी लेके लोग आए थे, और पता नहीं कैसे। बट सच में थाईलैंड में सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, इस बार थाईलैंड में सब कुछ एक्सपीरियंस करना है। आज अगर बहुत टाइम होता ना तो बहुत सारी एक्टिविटी हमारी बची हैं, वो हम फीफी आइलैंड में करेंगे, या फिर आपका कराबी में करेंगे, या फुकेट में करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से ना पटाया छोड़ने का समय है। तो चलो अपने इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी कल मिलते हैं फाइनली आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ 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 प्लीज़, एक अच्छा सा कमेंट कर दो ना यार, इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई, समुंदर में फंस गया था तुम्हारा भाई, एक कमेंट नहीं कर सकते हो आप? छोटा सा कमेंट, बढ़िया सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट, ताकि मैं उसको रिप्लाई करूँ, मुझे अच्छा लगेगा भाई कि इंडिया से इतने सारे लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मैं थाईलैंड में अगर घूम रहा हूँ तो। और क्या देखना चाहते हो वो कमेंट में लिखो, अगला ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर चाहिए, थाईलैंड से क्या देखना है, फटाफट से लिख दो, तुम्हारा भाई तुम्हारी बेस्ट पूरी करेगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, बाकी सारे रील वहाँ आ रही हैं। ठीक है, बाय।